तो सेक्शन थ्री पे आए, सेक्शन थ्री के पहले पैसेज में इसमें एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रखा है जिसमें चार डिफरेंट स्ट्रिंग्स है और स्ट्रिंग्स का मास पर यूनिट लेंथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, पहले का म्यू, टू म्यू, थ्री म्यू और फोर म्यू, और लेंथ जो स्ट्रिंग की है वो वेरी हो सकती है एल नॉट से टू एल नॉट तक। अब बता रखा है कि पहली स्ट्रिंग के लिए जो फ्री लेंथ है उसकी एल नॉट है, टेंशन उसके अंदर टी नॉट है और उसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो है वो एफ नॉट है। तो पहली स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हम बोल सकते हैं एफ नॉट इक्वल्स टू 1/2 एल नॉट अंडर रूट टी बाय म्यू नॉट, डिफाइन कर देते हैं टी नॉट बाय म्यू नॉट। ये फर्स्ट स्ट्रिंग के बारे में हमें बता रखा है। अब इस पहले पार्ट में, इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि तीनों स्ट्रिंग जो है, जो उनकी लेंथ बता रखी है एल नॉट 3, एल नॉट बाई 2, 5 एल नॉट बाई 4 और 7 एल नॉट बाई 4, और जो स्ट्रिंग्स है वो वाइब्रेट कर रही है फर्स्ट हार्मोनिक में, सेकेंड वाली थर्ड, फिफ्थ और फोर्टीन्थ हार्मोनिक में, और लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी सेम है, सेम फ्रिक्वेंसी पे ये इनकी वाइब्रेशन दे रखे हैं। तो हमें बताना है कि इनका जो टेंशन है वो टी नॉट के किस यूनिट में किस तरह से डिपेंड कर रहा है टी नॉट पे। तो कोई भी एक स्ट्रिंग की जो फ्रिक्वेंसी होगी एफ, वो हम बोल देते हैं कि nth हार्मोनिक में और वाइब्रेट कर रहा है, तो n बाय 2 एल अंडर रूट जो भी उसके अंदर टेंशन होगा टी और जो भी उसका म्यू होगा, लेकिन फ्रिक्वेंसी सबकी सेम है तो इसको मैंने एफ नॉट बोल दिया। अब दोनों को जब रिलेट करें तो रिलेट करने पर यह आ गया एन बाई टू एल इक्वल्स टू एन बाई टू एल अंडर रूट टी बाई म्यू इक्वल्स टू 1/2 एल नॉट रूट टी नॉट बाई म्यू नॉट। स्क्वायर करते दोनों साइड तो टी जो टेंशन होगा कोई सी भी स्ट्रिंग में वो टी इक्वल्स टू आ जाएगा एल बाई एल नॉट का स्क्वायर और म्यू बाई म्यू नॉट वैल्यू इंटू 1/n². ये कोई से भी स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स आ जाएगा टाइम्स टी नॉट। ये अब ये टेंशन कैलकुलेट करते जाएं तो फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट वाले स्ट्रिंग के लिए लेंथ है उसकी एल नॉट, म्यू है म्यू नॉट और फर्स्ट मोड में वाइब्रेट कर रही है, तो इसके लिए फर्स्ट स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स आ जाएगा वो टेंशन फोर्स कैंसिल आउट होने के बाद फाइनली टी नॉट आ जाएगा। सेकेंड वाले पार्ट की बात करें कि स्ट्रिंग टू के अंदर, तो स्ट्रिंग टू के अंदर क्या है, लेंथ जो है वो 3L0/2 है, 3L0/2 होने की वजह से ये हो गया टी नॉट का 9/4 और म्यू है उसका डबल तो ट्वाइस और मोड ऑफ वाइब्रेशन है थर्ड हार्मोनिक तो उसकी वजह से 1/9 ये आ गया। इसलिए सेकेंड वाले के अंदर जो टेंशन फोर्स आ गया वो टेंशन फोर्स की वैल्यू आ गई 2T0/2 सेकेंड वाले में। फिर थर्ड वाली जो स्ट्रिंग है, थर्ड वाली स्ट्रिंग में लेंथ दे रखी है 5L0/4, स्क्वायर किया उसकी वजह से टेंशन फोर्स आ गया टी नॉट 25/16 और म्यू की जो वैल्यू है वो 3 times है इसकी, इसलिए यहां पर आ गया 3 into फ्रीक्वेंसी फिफ्थ मोड में वाइब्रेट कर रहा है इसलिए 1/n² मतलब 25, इसलिए इसका टी आ गया 3/16 टी नॉट। फिर सिमिलरली फोर्थ वाले पार्ट के लिए, फोर्थ वाले पार्ट में लेंथ है 7/4, उसकी वजह से टी का वैल्यू 49/16 इंटू म्यू 4 और मोड ऑफ वाइब्रेशन 14 यहाँ पे वैल्यू एन स्क्वायर था तो 14 into 14 तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कैंसिल आउट होके 1/16 टी नॉट। मतलब फर्स्ट वाले के अंदर टी नॉट, सेकेंड वाले के अंदर हम देख रहे हैं तो सेकेंड वाले के अंदर टी नॉट बाई 2, थर्ड वाली जो स्ट्रिंग है उसके लिए आ रहा है 3/16 और फोर्थ वाले के लिए आ रहा है टी नॉट बाई 16। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो मैजर कॉलम है उसमें फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मैच हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड वाले भी के लिए भी इसी पार्ट को अगर हम आगे लेते हुए चले तो फ्रीक्वेंसी थी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2 एल नॉट अंडर रूट टी बाय टी नॉट बाय म्यू नॉट
अब सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल रखा है, पैसेज तो सिमिलर है लेकिन जो टेंशन है हर स्ट्रिंग में सेम टेंशन बोल रखी है टी नॉट, और फ्रीक्वेंसी जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हर कोई स्ट्रिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही है लेकिन हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर हमें हाईएस्ट रखनी है तो उसके लिए लेंथ हमें लोएस्ट रखनी पड़ेगी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसकी हो गई 1/2L। अब लेंथ वेरी हो सकती थी एल नॉट से 2L0 तक, लेकिन फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट के लिए लेंथ हमने मिनिमम ले ली अंडर रूट। टेंशन फोर्स सबके अंदर टी नॉट है बाय जो भी अलग अलग स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग मास पर नेट लेंथ होगा वो वैल्यू। तो यहां से F/F0 रेशियो अगर ले लें इनका, तो F/F0 लेंथ कैंसिल होने के बाद ये वैल्यूज हो जाएगी म्यू के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए F इक्वल्स टू आ जाएगा F0 टाइम्स म्यू नॉट बाय म्यू। अब फर्स्ट वाली स्ट्रिंग, हर स्ट्रिंग का म्यू हमें पता है, तो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हो गई वो हो जाएगी म्यू, म्यू नॉट है फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए तो इसका वैल्यू आ गया एफ नॉट। और सेकेंड वाले स्ट्रिंग के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है म्यू की वैल्यू है डबल, तो उसके लिए आ जाएगा एफ नॉट बाय रूट टू। थर्ड वाले स्ट्रिंग के लिए म्यू का वैल्यू है 3 टाइम्स, तो एफ का वैल्यू आ जाएगा एफ नॉट बाय रूट 3। फोर्थ वाले स्ट्रिंग जो है उसके लिए फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू म्यू पे डिपेंडेंट, म्यू की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे आ गया एफ नॉट बाय 4 का रूट। तो इसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट स्ट्रिंग उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पी 1 का पी, सेकंड का आर 1/√2, थर्ड वाले का आ गया एस और फोर्थ वाले का आ गया क्यू। तो उसके करस्पॉन्डिंग अपना जो मैच हो रहा है वो फोर्थ वाला मैच हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इस नेक्स्ट पैसेज में हमें पहले जो डिटेल बता रखी है वो एक प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए बता रखी है जिसमें एक आइडियल मोनोटोमिक गैस है और इनफाइनाइटेसिमल हीट एब्जॉर्ब जो हुई है उसके लिए बता रखा है कि हीट एब्जॉर्ब टी डेल्टा एक्स है, और डेल्टा एक्स के लिए भी बोल रखा है वो भी काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी है। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डी क्यू इक्वल्स टू टी डी एक्स, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। डी एक्स की वैल्यू यहाँ से अगर हम फाइंड करें, एक्स हमें मेंशन किया हुआ है 3/2 R ln T/TA + R ln V/VA, चाहो तो इनको डिफरेंस की फॉर्म में लिख लो log A/B को log A-B। अब हमें डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो 3/2 R ln T का डिफरेंशिएशन 1/T साथ में एक dT, ln TA का डिफरेंशिएशन 0 कॉन्स्टेंट है, और ये आ गया R ln V - ln VA, ln V का डिफरेंशिएशन हो गया dV/V और ln A का डिफरेंशिएशन 0। तो dx हम ये लिख सकते हैं, तो dQ जो भी स्मॉल हीट इस प्रोसेस के अंदर यूज हो रही है उसका वैल्यू आ गया (3/2 R dT + RT dV/V). अब बोल रखा है कि आइडियल गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT यूज करें, 1 मोल के लिए बात की हुई है तो n की जगह 1 ले ले, तो dQ की वैल्यू आ गई अपने लिए 3/2 R dT + nRT/V से P की वैल्यू अगर हम रिप्लेस कर दें तो PdV। अब क्वेश्चन में ये जो फाइनल रिजल्ट अपने पास निकल के आ रहा है ये कुछ ऐसे ही निकल के आ रहा है कि जो dQ है वो C ΔU + W की तरह से दिख रहा है या dW की जैसे दिख रहा है, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसी की तरह से ये इक्वेशन हमें दिख रही है। तो ये वाला जो टर्म है इसको हम इंटरनल एनर्जी में चेंज dU की तरह से, और मोनोटोमिक गैस के लिए हमें CV का वैल्यू पता ही है कि 3/2 R होता है, तो वैसा ही यहाँ पे भी फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहा है, और ये हमारे लिए dW जैसा रिजल्ट दिख रहा है। मतलब इस क्वेश्चन का जो अगला, मतलब क्वेश्चन का जो पार्ट आएगा उस पार्ट के लिए हम यही लेके चलेंगे कि जैसे कोई सा भी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग dU चेंज इन इंटरनल एनर्जी और dW PdV के थ्रू ही हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, तो जो क्वेश्चन में बता रखा है एक हमें TV डायग्राम दे रखा है, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ दे रखा है, और इस ग्राफ से हमें कुछ लिस्ट वन में प्रोसेस में बता रखा है कि वर्क कैलकुलेट करना है या चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है या हीट एब्जॉर्ब बताना है या हीट एब्जॉर्ब 1 to 2 प्रोसेस में बता रखा है। तो हम क्या करते हैं इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही बात कर लेते हैं। तो 1 to 2 प्रोसेस में फर्स्ट
प्रोसेस जो है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस होने की वजह से डेल्टा यू तो जीरो हो गया और क्यू और डब्ल्यू दोनों सेम हो गया। क्यू और डब्ल्यू सेम हुआ तो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ एन आर टी, लेकिन नंबर ऑफ मोल वन बोल रखे हैं इसलिए आर टी टेम्परेचर टी नॉट बाई थ्री, एल एन वी टू बाई वी वन, टू वी नॉट बाई वी नॉट करेंगे तो ये आगे वैल्यू टू। ये फर्स्ट प्रोसेस फर्स्ट स्टेप के लिए। सेकेंड टू टू थ्री जब जा रहा होगा तो टू टू थ्री वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन तो हो गया जीरो, वर्क डन जीरो हो गया, दूसरा क्यू और डेल्टा यू दोनों सेम हो गए। अब डेल्टा यू की वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी है, यहाँ के अकॉर्डिंग एन की वैल्यू वन ली, थ्री बाई टू आर डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, टी नॉट बाई थ्री से टी नॉट पहुँच गया तो चेंज इन टेम्परेचर आ गया टू टी नॉट बाई थ्री, मतलब क्यू और डेल्टा यू इसकी वैल्यू आ गई आर टी नॉट। तो अब फर्स्ट जो मैं फर्स्ट पार्ट दे रखा है उसमें बोल रखा है कि वर्क डन वन टू थ्री में कितना आया, तो वन टू थ्री में वर्क डन फर्स्ट वन टू टू में ये आ गया और टू टू थ्री में जीरो आ गया, इसलिए वर्क डन फर्स्ट वाले पार्ट के लिए हो गया आर टी नॉट बाई थ्री एल एन टू, मतलब पी पार्ट, तो फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग आ गया पी। फिर सेकेंड वाले में बोल रखा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी वन टू थ्री में, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे जीरो है और इंटरनल एनर्जी इसमें जो चेंज आया आर टी नॉट के इक्वल आया, मतलब सेकेंड वाले पार्ट के लिए हमारे पास है R। थर्ड वाले पार्ट में पूछा हुआ है कि हीट एब्जॉर्ब कितना हुआ वन टू थ्री में, तो हीट एब्जॉर्ब इसके अंदर हुआ है आर टी नॉट बाई थ्री एल एन टू और इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हुआ है आर टी नॉट, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन मैच हो रहा है टी क्योंकि उसमें दे रखा है आर टी नॉट, सिंप्लीफाई करेंगे तो आर टी नॉट प्लस वन बाई थ्री आर टी नॉट एल एन टू दे रखा है, तो इसलिए थर्ड वाले ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग हमारा ऑप्शन है टी। और फोर्थ में बोल रखा है कि वन टू टू में हीट एब्जॉर्ब कितना हुआ, तो वन टू टू में हीट एब्जॉर्ब हो रखा है आर टी नॉट बाई थ्री एल एन टू, तो वो ऑप्शन है अपना पी, तो फोर्थ के करस्पॉन्डिंग अपना ऑप्शन पी मैच हो रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो अपने ऑप्शंस है ऑप्शंस में से देखोगे तो ये ऑप्शन अपना फर्स्ट मैच हो रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट अब वही पैसेज है तो पैसेज में वही सारा डिटेल सब कुछ बता रखा है कि ये सारा प्रोसेस कि हमें जैसा प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग यूज कर लेना है, ये डेल्टा यू वाला पार्ट इंटरनल एनर्जी और ये वर्क वाला पार्ट। नेक्स्ट तो इसके अंदर जो हमें ग्राफ दे रखा है वो ग्राफ दे रखा है हमें पीवी ग्राफ, इस पीवी ग्राफ के करस्पॉन्डिंग वही दो पार्ट में हम सॉल्व कर लेते हैं, वन टू टू प्रोसेस की बात कर लेते हैं और टू टू थ्री प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो वन टू टू प्रोसेस के अंदर वन टू टू प्रेशर कॉन्स्टेंट है, प्रेशर कॉन्स्टेंट अगर हुआ तो इस वाले प्रोसेस में वर्कडन वर्कडन तो आ जाएगा पी डीवी, पी डी वी की वैल्यू, डी वी की वैल्यू वॉल्यूम में चेंज दे रखा है वी नॉट के बराबर और प्रेशर दे रखा है पी नॉट, तो ये आ गया पी नॉट वी नॉट और क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है पी नॉट वी नॉट वन बाई थ्री आर टी नॉट के बराबर है, तो ये वैल्यू आ गई वन बाई थ्री आर टी नॉट। फिर दूसरा इसके अंदर जो डेल्टा यू होगा इंटरनल एनर्जी में चेंज, इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा थ्री बाई टू आर डी टी या थ्री बाई टू आर टी फाइनल माइनस आर टी इनिशियल, इसको आर टी को मैं पी वी लिख सकता हूँ तो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन ही बोल रखा है, तो ये हो गया थ्री बाई टू पी टू वी टू फाइनल प्रेशर इन टू वॉल्यूम पी नॉट टू वी नॉट माइनस पी नॉट वी नॉट, मतलब डेल्टा यू का वैल्यू दे रखा है थ्री बाई टू पी नॉट वी नॉट और पी नॉट वी नॉट है यहाँ पे वन बाई थ्री आर टी नॉट, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ गई आर टी नॉट बाई टू, ये डेल्टा यू की वैल्यू आ गई हमारे लिए। फिर दूसरा इसमें क्यू क्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू हो जाएगा, तो दोनों को अगर ऐड करें डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू तो डब्ल्यू वन बाई थ्री था आर टी नॉट बाई टू, ऐड करेंगे वन बाई थ्री आर टी नॉट प्लस आर टी नॉट बाई टू, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी फाइव बाई सिक्स आर टी नॉट, तो ये वन टू टू प्रोसेस के अकॉर्डिंग आ गया। और फिर अगले वाले पार्ट में टू टू थ्री के अंदर अगर हम देखें तो टू टू थ्री के अंदर हमें जो प्रोसेस दे रखा है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है टू टू थ्री, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर वर्क डन तो हो गया जीरो और डेल्टा यू और क्यू दोनों सेम हो जाएगा, तो डेल्टा यू और क्यू की वैल्यू आ गई अपने पास थ्री बाई टू आर टी फाइनल माइनस आर टी इनिशियल,
तो ये वैल्यू हो गई 3/2 आर टी फाइनल को पी वी फाइनल 3 पी नॉट वी नॉट माइनस इनिशियल 2 पी नॉट वी नॉट। तो ये वैल्यू आ गई 3/2 पी नॉट वी नॉट, और पी नॉट वी नॉट 1/3 आर टी नॉट दे रखा है, तो 1/3 आर टी नॉट रखने पर ये आ जाएगा आर टी नॉट बाय 2 के इक्वल। तो ये 2 to 3 प्रोसेस में हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस बोल रखा है कि फर्स्ट पार्ट में कि टोटल वर्क डन कितना हुआ 1, 2, 3 में, तो फर्स्ट पार्ट के लिए टोटल वर्क डन 1, 2, 3 में, सेकंड थर्ड में 0 है, फर्स्ट वाले में जो वर्क डन आया है वो 1/3 आर टी नॉट है, 1/3 आर टी नॉट मतलब क्यू पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रखा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है अपने पास आर टी नॉट बाई 2, और सेकंड के अकॉर्डिंग आर टी नॉट बाई 2। तो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आ गई वो आ गई अपने पास आर टी नॉट, मतलब आर वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में हमें हीट एब्जॉर्ब पूछा हुआ है पूरे सिस्टम में, तो पूरे सिस्टम में जो हीट ऑब्जॉर्ब आया फर्स्ट और 1 to 2 में 5/6 आर टी नॉट, और 2 to 3 में आर टी नॉट बाई 2। जब हम इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 आर टी नॉट के बराबर, मतलब थर्ड वाला जो पार्ट है उसका ऑप्शन हो जाएगा अपना एस। फिर लास्ट वाले पार्ट में पूछा है कि 1 to 2 में हीट एब्जॉर्ब कितना हो रखा है, तो 1 to 2 में हमने कैलकुलेट कर रखा है 5/6 आर टी नॉट, तो वो ऑप्शन है अपना यू, मतलब फोर्थ वाले के अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच हो रहा है यू। अब ये ऑप्शन अगर देखोगे तो थर्ड वाला जो पार्ट ऑप्शन है वो राइट होगा।